जो चौकीदार पैदा यहाँ हुआ है, उसकी शादी यहाँ हुई है, सब कुछ यहाँ हुआ, उसको जिन्नात कुछ नहीं कह रहे। ये खसूसी फ्राडी ये पैदा हुए हैं जिनके पीछे जिन्नात हाथ धो के लगे हैं। मैं ये वो तहखाना था जहाँ सारे फ्राडी अपना गेम कर रहे थे। ये देखो ये वो तहखाना है और ये यूं यूं करके पैरों से चेक कर रहे, पैरों से यूं, और इसमें से जो आवाजें आ रही थी ना वो बंदा नीचे छुपाया हुआ था, यहाँ बंदा नीचे छुपा दिया था और वो फिर यहाँ से तहखाना बजा रहा था। ये देखो ये तहखाना है, तहखाना आ गया और खोलो इसको। बदबू है कसम। अच्छा ये देखो ये तहखाने में उतर रहे हैं हम भाई, बैठेगा यहाँ चिमगादड़े ये घूम रही है। वो देखो पूरा घर है उनका घोंसला। आपको ये पता चला कि अभी ये तो जिन्नात का नाटक कर रहे हैं, तो उसके बाद वो आपके वडेरे के बंदे ने क्या बोला कि ये मेहमान है जो कर रहे हैं? बोले मेजबान है हमारा, मेजबान आ रहा है चक्कर लगा रहा है। बोले बोले चक्कर लगाए गए मेजबान, हम साहब से रास्ता किया है, साहब से ऑर्डर दिया है। बोले चलो ठीक है रास्ता किया है, भले चक्कर लगाए, हमारे को क्या मालूम है ये क्या बना रहा है। अच्छा, बाद में आपको पता चला है क्या करके आप बात आ गया बढ़ रहा है आ रहा है जा रहा है। आपका जैसे चली नहीं रहा, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? सिर्फ रिकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्डिंग। आओ भाई हवेली वो बाग दिखाओ फिर बढ़ गया। इस तरफ चले, इस तरफ से नहीं 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 उधर नहीं उधर नहीं, बस ये पहले इंटर इंटर हो जाओ, बाद में देखेंगे उसको। भाई यार नेट भी तो पकड़ना है ना, सिग्नल यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। ये सब इमली के बाग है, इमली के हैं। जिसके भी बाग हैं उधर ही आ रहा हूँ मैं। हाय सब रिकॉर्डिंग। हाँ ये रिकॉर्ड रख लो। आ गया मैं भी लाया, आ गया भाई मुबारक हो गया। एंड स्क्रीन कर रहा हूँ, चलो आप रिकॉर्ड करो मैं अगर एंड करता हूँ तो दूसरी लाइफ पे आता हूँ। ये जगह थी जो ये बाबा कह रहे थे कि यहाँ से जाते जाते बाइक पे लोग हवा में उड़ जाते हैं, जरा खींच लेते हैं। तुम उड़ा रहे हो हवा में है राड़िए, तुम अपने घरों की बेटियां नहीं छोड़ रहे हो, उनको जिन बना रहे हो अब है? ऐसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे, मर नहीं रहे हो, खुदा की कस्में खाते हो, कुरान की कस्में खाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, कुरान पढ़ रहे होते हो बने। ये तो तुम्हारी बेस्ट ऑफ SSD चल रही है ना ये हवेली की, बढ़ जानी चाहिए वरना बढ़ने वाले हो। मैंने जो वादे किए पूरे निभाऊंगा। ये देखो भाई ये कुर्बानी का वो ये खून पड़ा हुआ है, कुर्बानी भी यहाँ पे हुई। लाइट मारो आप थोड़ी, ये देख लो भाई। बताओ यार फ्रॉडी है किसके आगे कम है यार, क्या बोलते? मैं झूठा आदमी, अल्लाह माफ करे यार, झूठ तो खत्म है वाकई, इसको खत्म है झूठ का किंग है। 176 चलो आ गया मैं। ओए होए होए बोलो गाड़ी तो खोले, खुली भी है, खुली भी है पक्का। दिलदार भाई लाइट तो मारो। हाँ एक सेकंड एक सेकंड, ये सब लेना सब कुछ छोड़ना नहीं। अच्छा ये जो हमारे काशिप भाई हैं ये इमली तोड़ रहे थे भाई, बेटो फेंक दी इमली हमने, जैसी व्लॉग स्टार्ट किया आपने इमली फेंक दी। दूसरी ले आता हूँ। नहीं नहीं बस सही है सही है, अभी बागात दिखा देंगे भाई, वो इमली के बागात हैं, चीकू के और इमली के बागात हैं वो जो सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ बारबेक्यू हो रहा है भाई, भाई बैठे हुए जहाँ सज्जाद भाई जिन्नात बताते हैं वहाँ बारबेक्यू कर रहे होते हैं लोग। बाबू की हो रही है, बाबू की गाइस हम लोग बाबू की कर रहे हैं सर।
अच्छा, ये इमलियां जमा कर ली है घर के लिए? भाई बैठो, सही जा रहो यहाँ में भी दरी खाएंगे घर के लिए। ये रही इमलियां भाई, देख लो जबरदस्त का शिप भाई। ये इमली का बाग है और ये और वो बंदे खींचते हैं, ये इमली भाई खा के दिखाऊं। हाँ भाई, वो बाइक से बंदे उड़ा देते हैं जिन्नात। हाँ। बता रहे थे बाबा बाइक से बंदे उड़ जाते हैं भाई बैठे, इतने खतरनाक जिन्नात हैं ये। और ये उनकी हवेली है भाई बैठे, 150 साल पुरानी जो बता रहे थे, 70 साल पुरानी हवेली को 150 साल बता रहे हैं वो। और इसी दरख के नीचे खड़े थे वो भाई बैठे, वो सारे फ्रॉडी इंटरव्यू ले रहे थे। चले जाओ यहाँ से, जिन्हें यहाँ चले जाओ, दिखा दो मेरी भाई। अरे मैं, हाँ आप तो कह रहे हो इमली खा के दिमाग चली गया मेरा है। आओ सर तहखाना वाले, ताजी इमली जो होती है ना बड़ी मीठी होती है। क्या बात है, क्या ही बात है, खट्टी मीठी मतलब। आओ बंदर की सारी जगहें दिखा दें, फिर लाइव तो लाइव है, फिर वो तो करेंगे ही करेंगे। भाई ये वो 150 साल पुरानी हवेली है, उसका गेट वेट हमने खुलवा लिया है। ये पाइप शाइप पड़े हैं इधर, वो सारे फ्राडी आए हुए थे, सुहेल लतीफ सज्जाद ये सब यहाँ खड़े हुए थे इस जगह पे। मैंने उनका एपिसोड थोड़ा सा देखा है, यहाँ से खड़े थे और इस खिड़की से वो कैमरे मार रहे थे और इस ताले को बता रहे थे। हाँ ये देखो, अब ये ताला चेंज कर दिया है, वरना यहाँ पुराना ताला लगा हुआ था कोई, तो 90s के दौर का ताला बता रहे थे। ये पाइप दिखाए थे उन्होंने? पाइप पता नहीं यहाँ पड़े थे उस टाइम, नहीं पड़े थे ये नहीं पता वीडियो में ना। बोरिंग के पाइप हैं जी, बोरिंग के पाइप हैं, चेंज किया था। और ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगी हुई है, ये खिड़कियाँ हैं, ये वो बेंच टूटी भी बता रहे थे वो सुहेल लतीफ हमारे फ्राडी बाबा। ये खिड़की खोलना काशिप भाई ऊपर वाली, यहाँ से खोल के वो बता रहे थे अंदर से आवाजें आ रही है। सज्जाद आवाजें आ रही है सज्जाद, ये वाली खुलेगी शायद, देखो ये साफ भी है, ये वाली खुलेगी। हाँ खोल लो कोई भी। अच्छा ये वो हुआ भाई, आ जाओ आगे चले। मेन तो तहखाना है ना, सारे जिन्नात वहाँ से निकले थे ना उनके, आज आवाज है ज़रा तहखाने। और ये आ गई बाबा की तहखाने वाली जगह। ये रहा बेलचा, ये रखा हुआ किसको चाहिए, ये रखा हुआ है बेलचा। ये जगह, हाँ हाँ एक मिनट सब दिखा रहा हूँ, तसल्ली बख्श दिखाऊंगा रुको। ये वो तहखाना था जहां सारे फ्राडी अपना गेम कर रहे थे। ये देखो ये वो तहखाना है, और ये यूं यूं करके पैरों से चेक कर रहे थे, पैरों से यूं, और इसमें से जो आवाजें आ रही थी ना वो बंदा नीचे छुपाया हुआ था। ये देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ बंदा नीचे छुपा दिया था और फिर यहाँ से तहखाना बजा रहा था। ये देखो ये तहखाना है, तहखाना आ गया, और खोलो इसको। बदबू है गजब। अच्छा ये देखो, ये तहखाने में उतर रहे हैं हम भाई बैठेगा, यहाँ चिमगादड़े ये घूम रही हैं। वो देखो पूरा घर है उनका, घोंसला चिमगादड़ों का। नहीं नहीं अभी ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग चल रहा है। हाँ। आपने कुछ बोलना भी है तो आपका चेहरा हाइड हो जाएगा। हाँ ब्लॉग चल रहा है अभी, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये तो अपने हाथ में होता है। अभी आपकी हवेली विजिट करा रहा हूँ। अच्छा वो गेट खोल रहे हैं, खोले दिखाना है। ये देखो चिमगादड़ों के निशान बता रहे थे, शुक्र है इसमें जिन्नी बताया बाबा ने। और हवा चल रही है वीआईपी टनाटन। ये कमरा विजिट कराया था तुम लोगों को, ये किचन है देख रहो, और इस टाइम अकेले मौजूद हैं, अब नहीं बज रहे थे खाने, अब नहीं आ रहे जिन्नात। ये देखो एक लकी टूटी हुई है। आ रहा हूं ये देखो। ये सीढ़ियां है, ये भी कोई दरवाजा है भाई, ये छुपकली। वो जो ताला था ना जिसपे हिंदी लिखी हुई थी, आओ अभी आ रहा हूँ। आओ काशिप भाई दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो, अब बताओ। वो ताला कह रहा था ना, इसमें हिंदी लिखी है।
आओ वो बाहर लेकर आना, ठीक है, लाइव में दिखाएंगे, लाइव में। हाँ बाहर ले आना, बाहर 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 अभी दिखाओ, लेकिन हाँ बाहर ले आना। लगा हुआ है कहाँ से लाऊं? अच्छा लगा हुआ है, और से नहीं देगा? अरे अच्छे से पीछे लगा हुआ है वो। ओहो अच्छा, ये वो बता रहे थे वो, पता नहीं कौन सा, ऊपर करो उसको JK और आगे पता नहीं क्या लिखा है, और इसको बता रहे थे हिंदी लिखी हुई है इसके ऊपर। ये ताला है सही, जबरदस्त। और ये वो बेंच थी जिसपे वो सोहेल लतीफ कुछ फरमा रहे थे और सारे फ्राडी यहाँ खड़े थे। दरी देख रहे हो, 150 साल पुरानी हवेली का हाल देख लो तुम लोग, 70 साल पुरानी हवेली को 150 बता रहे हैं। एक जिन का बच्चा नहीं घूम रहा इधर, वो जिन्नात के पूरे पूरे कबीले वीरान है। दिखाओ ये वायरिंग, आप देख रहे हो ये वायरिंग? हाँ 150 साल पहले की नहीं होती। हाँ 150 साल पहले कोई वायरिंग का निजाम ही नहीं था। ऐसा ही है, ये सब बाहर से ओपन टॉप वायरिंग मिली है इसकी। ये नहीं बताते हो बाबा तुम फ्रॉडी है, ये नहीं बताते हो? ऐसे ऐसी खिड़कियां होती थी 150 साल पहले। बात तो ये भी बढ़िया है, आओ जरा इधर का दिखा दें, इधर का नहीं दिखाया। ये इस पे भी ताला लगा हुआ है, ये देखो, ये सब बाबा खड़े थे बता रहे थे, अजान की आवाज़ नहीं आती हैं, फुल फुल अजानें होती हैं, VIP वाली होगी, टनाटन अजानें आती हैं माशाल्लाह। वो देखो व्यू देखो, और वो देखो अल्लाह टाइप बना हुआ है वो देखो सामने। लाइट बंद हो गई, ये क्या हुआ? अरे यार बैटरी बढ़ गई। हाँ काशिप भाई ये हवेली की, अगर आप चलो तो मैं कुआं दिखा दूँ आपको थोड़ी दूर। अभी चलते हैं ना, चलते हैं, व्लॉग में इतना लंबा नहीं करेंगे ना, वो तो लाइफ पे करेंगे। ये इसकी बैक साइड है भाई हवेली की, ये आप लोग देख लें, ये एक दरख्त है यहाँ बड़ा खूबसूरत सा। ये हवेली के पीछे का आता है, देख रहे हो, दो बंदों को जिन्नात कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ वो चार चार फ्राडी आ रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं, तहखाने भी बज रहे हैं, सब कुछ बज रहा है बस। ओ लाया था, बोला पिकनिक बनाएगा, चक्कर लगाएगा, इसलिए बोला चक्कर लगाएगा, गश्त करेगा, पिकनिक के लिए बनाया था, ये सब आया था। अच्छा, और लोगों को कोई मालूम नहीं था कि क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, बोला पिकनिक लोग बनाएगा, गश्त करेगा, चक्कर लगाएगा, बागीचे घूम लेगा, आया था बोला जिन्नात है, पता नहीं क्या है क्या है, लोग सब झूठ बताएगा। अच्छा, और दूसरा ये फिर ये इन्होंने ये किया कि जब, अरे यार घूमो तो सही, माइक नहीं ले माइक। अच्छा बाबा वो छोड़े, अभी कैमरा वो रिटर्न नहीं हो रहा। एक बात आपने मुझे और, हाँ जब आपको, हाँ इधर आए ना, इधर आए ना, जब आपको ये पता चला कि अभी ये तो जिन्नात का नाटक कर रहे हैं, तो उसके बाद वो आपके वडेरे के बंदे ने क्या बोला कि ये मेहमान है जो कर रहे हैं? कर रहे हैं, बोले मेजमान है हमारा, मेजमान आ रहा है, चक्कर लगा रहा है, बोले बोले चक्कर लगाए गए मेजमान, हम साहब से रास्ता किया है, साहब से ऑर्डर दिया है, बोले चलो ठीक है रास्ता किया है, भले चक्कर लगाए, हमारे को क्या मालूम है ये क्या बना रहा है। अच्छा, बाद में आपको पता चला क्या करके? आप बाद में, ये शाम में हमारे को फोन किया, बताया कि भाई ये क्या क्या बना रहा है, मैं बोलूँ मेरे को मालूम नहीं है, कोई इलम नहीं है हमारे को, क्या है हमारे को कोई इलम नहीं था, बोले चक्कर लगाएगा, आप मालिक के साथ रास्ता किया है, फोन किया है, बताया, बोले हमारा मेजमान है, चक्कर लगाएगा, बोले ठीक है चक्कर लगाए। उसके बाद यहाँ जिन्नात की अदाकारी इन्होंने शुरू कर दी। हाँ पूरे जिन्नात की, जिस बंदे को लेके आए थे वो बंदा भी आप कह रहे हैं कि उसका इंतकाल इंतकाल हो गया। हाँ भाई वो एक बंदा है, कहाँ का था वो? यहाँ का भी नहीं था, वो साकरान का, साकरान से बंदा लेकर आए थे, वो जो यहाँ पेड़ के पास खड़े होकर बोल रहा था मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जिन्नात यहाँ, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं तो गाड़ी देखकर आया था, तो फ्राडी उसको साथ लेकर आया था, और वही लेकर आया था, वो बेचारा मर गया, उससे भी तुमने झूठ बुलवा दिया मरते मरते। और वो चाचा इंतकाल कैसे हुआ बंदे का? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, देखो
इसलिए बोलता है झूठ नहीं बोला करो बाबा, जो तुम बता रहे हो क्या मगरिब की अजानें नहीं आती हैं, कुरान तू नहीं छोड़ रहा, अल्लाह रसूल तू नहीं छोड़ रहा, अब अजान पे आ गया है। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? हमारा को कम से कम 30-35 साल, 35 साल से ज्यादा। शादी भी आपका यहीं हुआ? हाँ यहाँ पे हुआ है, हमारा बच्चा भी यहाँ पे पैदा हुआ है। हाँ शादी यहाँ हुआ, पैदा यहाँ हुआ है चाचा। हाँ 35 साल से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। सज्जाद गैर मुकामी भाई बैठे हो, दिया अली क्या कह रही है? सर बिर नुमारा हेल्प, बिर नुमारा ड्रो स्टा, बिर नुमारा मैकलरी कैसनिप भाई खुद ही पढ़ लो, हर आखिर में लिखा हुआ फकर जमान, हर जमान डाइम ब्रिंची ओल्डक। चलो खैर क्वालिटी गई नहीं यार, यहाँ तो सही आ रही है, 4K चल रहा है अभी। सर क्वालिटी देखो ना यार, कोई लाइव चेक करो हमारी। अस्सलाम वालेकुम, तो जनाब आली बात कुछ ऐसी है कि लाइव अब शुरू कर रहे हैं थोड़ी देर में, तो मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग बना लूं जो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, लाइव में बता भी दूंगा। तो ये है सज्जाद भाई की 150 साल पुरानी हवेली, जो कि 70 साल पुरानी है, और यहाँ तहखाने में जिन्नात और सब कुछ उन्होंने दिखाए थे, वहां सिवाय चमगादड़ों के कोई जिन्नात नहीं है, और वो जो तहखाना बजा था और वो सारे प्राणी चिल्लाते हुए भागे थे, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है वो। आप मैं अभी मैं सारिम को उतार दूंगा, वो तहखाना बजाएगा तो वो शोर होगा, तो जिन्नात इतनी फजूल हरकतें नहीं करते। दूसरा वो यहाँ एक दरख्त है, वहां खड़े हुए थे सारे फ्राडिये, और वो एक बंदा बुलाया हुआ था, और यहाँ वो घुसे ऐसे हैं कि यहाँ कोई गांव का वडेरा है, उनके जानने वाले थे, वो उनको यहाँ लेकर आए। यहाँ बकायदा वो जो चौकीदार है, वो पैदा यहाँ हुआ है, उसकी शादी यहाँ हुई है, सब कुछ यहाँ हुआ, उसको जिन्नात कुछ नहीं कह रहे। ये खसूसी फ्राडिये पैदा हुए हैं जिनके पीछे जिन्नात हाथ धो के लगे हैं। मैं बता रहे थे कि यहाँ मगरिब में अजाने नहीं होती हैं, तो ऐसा कोई कहानी नहीं है, मस्जिद यहीं करीब में, ठीक है। और उसके अलावा वो बता रहे थे बाबा कि 3 घंटे का रास्ता है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, और हब में ये साकरान के पास जगह मौजूद है, 150 साल पुरानी हवेली। तो बस उनके वर्ल्डने का टाइम करीब है, और वो सज्जाद भाई बराए मेहरबानी वीडियोस डिलीट कर दो, वरना फिर बड़े घर आना पड़ेगा आपको। तो इनशाला जितनी आपने डाली हुई ना बेस्ट ऑफ SSD हवेली, और ये क्या कहते हैं 150 साल हवेली, सर जोसेफ और पता नहीं कौन सा जोसेफ, और 1948 और पता नहीं कौन कौन सी आप 90s, अब आदि कह रहे थे तो जहां जाते हैं वहां सिर्फ ज्यादा हवेलियां बताते हैं, और उसके अलावा वो अपना आसिफ ज्यादा हवेलियां बताते हैं, इसके अलावा कहते हैं कि हाँ वीराना है वीराना, तो नहीं भाई पूरी आबादी है, पीछे चीकू के बाग हैं या इमली के बाग हैं, वो आपको हम लाइव में भी विजिट कराएंगे, और वैसे भी करा देंगे क्योंकि सुबह तक यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ना जिन्नात है ना जिन्नात का बच्चा, सिवाय चमगादड़ों के यहाँ दूसरा कुछ नहीं निकला। तो इंशाल्लाह अब लाइव पे मुलाकात होगी, और ये आप एपिसोड और ये जो ब्लॉग है छोटा सा, ये इंजॉय करिएगा, बाकी मिलते हैं, शुक्रिया।